कि मैं गांजा सुल्फा बेचता हूँ और मेरे ड्यूटी ऑन द ड्यूटी स्पॉट मैं काम करा रहा था, नाली का व्यवहार करवा रहा था सफाई। इन्होंने आके मुझको उठा के वहाँ से लाए और सर्विस स्टेशन होता है जो, उसके अंदर ले जाकर मुझ पर पाइपों से मोद्दा करके मारा है इन्होंने। अगर पहले ये तो बताओ मुझे मेरा कसूर क्या है, क्यों मारा है आपको, किसने किसने ये करवाया है? मैडम पार्षद ने कराया, मिथिलेश बरवाल के खुद जो उसके ससुर है उन्होंने कराया मेरे साथ। सर एक मिनट सर, मुझे आपसे ये जो ये मैडम मेरी बात सुनिए आप, मैं इसका भाई बोल रहा हूँ आपके साथ। हाँ एक मिनट सुनिए मैडम मेरी बात सुनिए, अगर ये पुलिस वाले अगर ठाकर लेकर आए हैं इसको, ये मेरा भाई है, इसको उठाकर लेकर आए हैं, तो ना तो इन्होंने सूचना दी हमारे घर में, ठीक है ना, ना हमारे घर में सूचना दी है कि भाई हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, और अरेस्ट किस वजह से कर रहे हैं ये भी बताइए, ना इसका मेडिकल करवाया, इसको पीटा, मेडिकल पीटने के बाद करवाया इसका, मेडिकल पीटने के बाद इसका मेडिकल कराया, इसके पैर में फ्रैक्चर आ रखा है, ये सुपरवाइजर है यहाँ पे, एक सफाई कर्मचारी के साथ में इन्होंने इतनी बदमाशी कर रखी है, और ऊपर से हम यहाँ आते तो बदतमीजी से बोलते हैं, जनाब हमारे को कानून सिखा रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि घर वालों को सूचना दी जानी चाहिए, ना ही इन्होंने सूचना दी और उसको छिपाने का और कार्य कर रहे हैं, और ये जो पार्षद है उसके ऊपर भी हम अपने भाई के जो इसकी छवि को खराब करने की जो कोशिश की गई है, हम मानहानी का केस भी उसके ऊपर डालते हैं, और ये हमारे को रिसीविंग की कॉपी इनसे दोबारा ले एक बार, और जो यूनियन में गई है वो अलग से, और हम अपने उससे करेंगे वो अलग कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे द हिंद वॉरियर। मैं आपको बताना चाहूंगी, 2 महीने पहले 15 अप्रैल की तारीख पर यहाँ पे बजगेड़ा थाने में गुरुग्राम में एक एनसीजी कर्मचारी को जबरन उठाया गया था, उसके बाद उन पे झूठे इल्ज़ाम डालकर उनके साथ मारपिटाई की गई थी, और ऐसे में आज 2 महीने पूरे होने को आए हैं लेकिन उस कर्मचारी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। मैं आपको सुनाना चाहूँगी उनकी ज़ुबानी की, अब जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने किस तरीके से इनसे इनको भ्रमित करके इनके जबरन साइन करवाए हैं एक दस्तावेज पे, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज की बात लिखी गई है, जहाँ पे ये बात भी लिखी गई है कि सारे इल्ज़ाम ये वापस ले रहे हैं। ऐसे में इन्हीं की ज़बानी सुनाना चाहेंगे कि इनके साथ आखिर हुआ क्या है, 2 महीने से भटकने के बावजूद भी आज तक उन हवलदारों पर कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है, कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। नमस्कार सर, सर 2 महीने हो गए हैं अभी तक उन हवलदारों के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया गया है? मैडम कोई एक्शन नहीं लिया गया है, और मेरे पास 3-4 दिन से कोई क्राइम ब्रांच से फ़ोन आ रहा था मैडम का, और वे कह रहे थे एक दफ़ा आप चौकी में आ जाइए, हमें आपसे बात करनी है। सर किस वजह से आपको चौकी में बुलाया जा रहा है? सर मैडम मेरे को बुलाया गया था रवीना के ब्याह के उस पर, जो इन्होंने मेरी जो एप्लीकेशन जो बाद में रिपोर्ट दिखाई गई है उसके ब्याह पे। सर तो आपको थाने में आप गए वहाँ पे? हाँ जी गया। क्या हुआ वहाँ पे? मैडम वहाँ गया हूँ, मेरे को वहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन लिखी हुई दिखाई है, और उसमें मेरे को कुछ कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने उनकी एक फ़ोटो खींच ली थी एप्लीकेशन की, और मैंने वहाँ पे उन्हें बोले बेटा साइन कर दो, तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मगर ठीक है जी। सर आप कॉम्प्रोमाइज के लिए मान गए? मैडम मैं अभी नहीं मान रहा हूँ। किस दबाव में आके आपने साइन किया, क्या कहा गया आपको, बताया गया कि कॉम्प्रोमाइज करवाया जा रहा है? हाँ जी मैम। तो सर आपने साइन क्यों किया? मैडम कॉम्प्रोमाइज का नाम लिया गया है, रवीना की तरफ से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। मैम इनको अलग अलग बिठाया गया, मदर गई थी इनकी, इनका छोटा भाई गया था ये वाला, ठीक है, पुलिस वाले थे वहाँ पर, इनको ज़बरदस्ती वहाँ पर बिठाया, सबको अलग अलग बिठाया गया। जब हम वहाँ पर शुरुआत में गए थे इस भाई के साथ मार पिटाई हुई थी, तब हमने पुलिस वालों को बोला कि इसके नाम भाई FIR लिखवा दो, और जो FIR इसके खिलाफ है वो भी बता दो, उन्होंने वो नहीं बताई। हालांकि आपके न्यूज़ के माध्यम से मैडम ने भी पूछा था, SHO साहब ने बिल्कुल नकार दिया था कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, अब इसके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। अब ये आप देखिए, पुलिस वाले वैसे तो बोलते हैं कोरे पेपर लेके कि तुम खुद लिख लो, वहाँ पर ना इसकी खुद की हैंडराइटिंग है, ठीक है, वो आपको हमने सेंड कर दिया है, इसकी हैंडराइटिंग नहीं है, पुलिस वाले ने खुद ने पहले से लिखा हुआ था वो, उस पर इनसे साइन करवा लिया कि रवीना ने जो तुम्हारे पर झूठा मुकदमा लगाया था उस बिहाव पे कि भाई आप बिल्कुल सच्चे थे, आपके खिलाफ आपने कुछ ऐसा नहीं किया था, उस बिहाव पे उसको साइन करवाया था। ये भाई सोच रहा था कि भाई चलो ठीक है कि जो हमने हमारे खिलाफ जो मुकदमा झूठा था उस पर साइन कराए, और मम्मी को अलग भाई को अलग, इनको नहीं पता था कि राजीनामे के लिए कर रखा है, कॉम्प्रोमाइज़ तो चाहते ही नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ ये करेगा, सबके पास में एविडेंस है, पुरानी वीडियो भी है, पुलिस वाले कैसे मार रहे थे, सभी कर्मचारियों ने भाई का सपोर्ट भी करा।
अगर ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो मैम फिर किसी को न्याय कैसे मिलेगा, और भी कर्मचारियों को भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में एक तो SHO के थ्रू इन पे दबाव बनाया गया, और किस किस के थ्रू इन पे दबाव बनाया गया इस मुद्दे को दबाने के लिए? मैम मैंने आपके पास रिकॉर्डिंग छोड़ रखी है, आप उनको देख लीजिए। प्रधान जो इनके निगम से प्रधान है राम सिंह प्रधान, उनसे मेरी भी बात हुई थी, भाई की बात हुई थी, SHO साहब से उनकी बात हो रही थी, वे भी बोल रहे थे कि भाई तुम साइन करियो मैं देख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास कॉपी व्हाट्सअप कर देना। प्रधान जी के पास भी इन्होंने व्हाट्सअप कर दी थी, उनको भी नहीं पता है क्या मैटर इसमें बना रखा है क्या नहीं, लेकिन हो तो ये कॉम्प्रोमाइज़ ही रहे, षड्यंत्र ही तो है। अब ये गरीब आदमी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैम पहले ही, अगर आने वाले टाइम में अगर इसके साथ में जो भी कुछ हो रहा है या इसके ऊपर दबाव बनाया जाता है इसको नौकरी से निकालने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसमें निगम पार्षद भी शामिल है, उसके साथ में जो लोग मिथिलेश बरवाल करके है, और SHO है, पुलिस वाले है, पुलिस डिपार्टमेंट से लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती, तो हमें इस भाई के लिए पूरा पूरा खतरा भी है, इसको किसी षड्यंत्र में भी फंसाया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है हाथ में, ये भी प्रशासन अपने ध्यान से सुन ले। एक गरीब आदमी के लिए हक और अधिकार के लड़ाई लड़ने के लिए ना हम जेल में भी जाने के लिए तैयार है, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और इस भाई के साथ में जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको, ये पहली बात तो जो इन्होंने साइन करे हैं वो बिल्कुल गलत है, ना ही इसकी हैंडराइटिंग है और ना ही मतलब इसने अपनी मर्जी से साइन किया है, ये इस भाई को फंसाने की साजिश की जा रही है। जी मेरे लड़के को कई दिन से फोन आ रहे थे कि चौकी आओ चौकी आओ, ये गए इसकी माँ गई, इनको अलग अलग बुलाकर इन पर दबाव देकर इनसे इन्होंने वो कागज़ तो पढ़े नहीं, अनपढ़ लोग हैं, दस्तक करा लिए। सर आप प्रधान है ना, कॉम्प्रोमाइज होता है सर तो जी, दोनों पक्ष के आदमी होते जब ही तो होता नहीं है, इनको इसी को बुलाया और इसी से आज तक जिन्होंने आप पे आज तक जिन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया है, जिन महिला का नाम लिया जा रहा है, वो आज तक कभी सामने आई है? मैडम नहीं आई वो, एक आज तक आपने उनकी शक्ल भी नहीं देखी है? मैडम शिकल तो देखी है, मगर वो जिस टाइम से मेरे पे ब्लेप लगाया गया था वो उस टाइम से लेके और अभी तक मतलब चौकी के अंदर कोई वैसे उसमें आई आगे नहीं आई। यानी कि सिर्फ आपको बुलाया जा रहा है, दूसरे पक्ष को जिसने आप पे झूठे इल्जाम लगाए हैं उनको आगे ही नहीं बुलाया जा रहा है? मैम उनको आगे क्यों बुलाया जाएगा, उन्हीं के थ्रू तो यहाँ पे सारा मैटर बना हुआ है ये। अगर देखिए जो फर्स्ट डे था उस दिन शाम तक हम सभी लोग वहाँ पर, यूनियन भी थी और कर्मचारी भी थे और हम भी थे, सारे के सारे वहाँ पे थे। दूसरा पक्ष आया था, ज़रूर आया था, लेकिन दूसरे पक्ष के आते ही पुलिस वालों ने हमारे को बोला कि तुम जाओ, हमारे सामने ना उनसे पूछा गया, FIR मांगी, इस भाई के नाम अब तक FIR नहीं है कोई, ठीक है, उस दिन भी मांगी गई थी, खुद SHO साहब ने भी बोल दिया कि भाई FIR इसके नाम से है नहीं। जब इस भाई ने कोई गलती नहीं की, इसको मतलब षड्यंत्र के तहत इसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसकी नौकरी पे खतरा भी हो सकता है, और पुलिस प्रशासन जो इस पे दबाव बना के इसको बुलाया जा रहा है, ये क्राइम, ये अनपढ़ गवार है भाई, इनको अगर पता होता कि हाँ भाई हमें ये पढ़ाई लिखाई के बारे में पता होता तो ये रोड पे सड़कों पे झाड़ू नहीं मारते, ये कहीं अफसर बने होते। इनको ये भाई बता रहा है ना क्राइम ब्रांच से, वो क्राइम ब्रांच से फ़ोन लिया है, वुमेन्स अगेंस्ट जो क्राइम सेल से जो फ़ोन आता है वो वुमेन्स सेल की महिला पुलिसकर्मी है, वो महिला पुलिसकर्मी इनसे फ़ोन पे बात कर रही थी और वो इनको बुलाने लग रही थी। मैटर ये प्रधान जी बोल रहे हैं कि इनकी मम्मी ने खुद ने इनको बोला है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, प्रधान जी की रिकॉर्डिंग है, मैंने आपके पास सेंड की हुई है, प्रधान जी खुद बोल रहे हैं कि आप साइन कर देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी भी बात हो रखी है, मैंने बोला प्रधान जी ऐसा क्यों साइन कर देंगे, और रही बात इनकी रफा दफा करने की, प्रधान जी आपको 2-3 दिन से फ़ोन करने लग रहे हैं, आपको समय नहीं मिल पा रहा, आप पूरे इकाई के प्रधान हो, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, आप एक मिनट चुप, आप कल की बजाय आज इनके साथ चले जाते थाने में, एक दिन और रुक जाते कोई फांसी तो नहीं टूट जाती? आप सुनिए, प्रधान जी बोल रहे हैं ना कि मेरे पास व्हाट्सअप किया, प्रधान जी के पास इन्होंने व्हाट्सअप जरूर करा, उसके तुरंत बाद प्रधान जी का फ़ोन स्विच ऑफ आ गया, मैंने फ़ोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैंने बात की उनके, फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद मैं रुक जाए एक मिनट, फ़ोन स्विच ऑन होने के बाद में मेरी प्रधान जी से बात हुई, मैंने प्रधान जी क्या मैटर हुआ, मगर ये तो गलत हो गया, कह रहे भाई मुझे नहीं पता था इस बारे में उन्होंने क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, बाकी ये बात हो रही थी कि रवीना ने जो कंप्लेंट दे रखी थी
उस बिहाफ पे इनको बुलवाया है, ये बात थी। किसी मदर ने अगर इनकी मदर ने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला होता तो आपके पास इनकी मदर की वीडियो नहीं होती। दरअसल क्या मैटर है मैं बता देता हूँ, खुला खुला मैटर क्या है, ये है निगम कर्मचारी, दबाव बन जाता है नौकरी की, सबको डर होता है, नौकरी का खतरा होता है, प्रेशर होता है, हम सारी चीज़ें समझते हैं। लेकिन अगर आपको, मैं तो आपसे एक अपील करना चाहूँगा, अगर आपको यूनियन का प्रधान इन लोगों ने वोट देकर चुनकर बनाया है ना, और आप इन लोगों से चंदा लेते हो, तो आपका खुद का दायित्व बनता है इन बंदों, इन परिवारों को घर पे बिठा के और इनकी सारी लड़ाई को लड़ना। हमारे जैसे लोग इसलिए घुसते हैं क्योंकि आप नहीं पहुँचते वहाँ, इसलिए हमें वहाँ पर जाना पड़ता है, नहीं तो हमारा कोई मैटर ही नहीं बनता। आप मेरी बात सुनो भाई साहब, पहली बात तो चंदे से संबंधित जो आप बात कर रहे हो, चंदा अगर कोई भी प्रधान बनता हो वो अपने घरेलू खर्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करता। चंदा का जो मतलब है ना, सुनो प्लीज, ये कर्मचारियों के हित के लिए कोई आंदोलन या कोई एजिटेशन किया जाता है, कोई लंबी हड़ताल चलती है तो उसके खर्चे के लिए, या रैली जाती है या कोई बस जाती है उस खर्चे में इस्तेमाल किया जाता है, ये कोई पर्सनल जेबों में नहीं जाता। आप इतना सोच रहे, एक सेकंड, आप इतना सोच रहे हैं इनके लिए, इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, चंदे में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, चंदा तो लेते हो ना, अब ये भाई का भी तो मुकदमा, अब इस भाई का, ये सिर्फ पीछे इसलिए हट रहा है कि मेरी नौकरी खतरे में है और मैं कोर्ट कचहरी नहीं लड़ सकता हूँ। और मैं आपके न्यूज चैनल के, ये नहीं बताया कुछ भी, कोई फोर्स किया दबदबा, मैडम इससे पूछो, अगर कोई दबदबा है या किस तरीके से उसको फोर्स किया जा रहा है, मैं इसके साथ कंधे से कंधा लगा खड़ा हूँ। अगला खुद सर, आपकी जो रिकॉर्डिंग है उसके बारे में क्या कहेंगे सर? रिकॉर्डिंग है उसके बारे में क्या, क्यों पार्टी बन रहे हैं? अगला पार्टी, अगला खुद नहीं है, सुनो मेरी बात, पार्टी मैडम, आपके न्यूज के माध्यम से मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मानव अधिकार के लिए किसी की लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि मेरे को निगम के अंदर कुछ कर्मचारी होने चाहिए। कोई भी निगम का कर्मचारी अगर मेरे पास में अपनी मुसीबत को लेकर आएगा तो मानव रक्षा दल उसके साथ खड़ा होगा। और अगर इनके यूनियन, निगम के प्रधान और इनका यूनियन इस भाई के केस के लिए अगर पीछे हटता है या इसको न्याय नहीं दिलवाता है तो मानव रक्षा दल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनके केस के लिए लड़ेगा। और जो भी इसके अंदर दोषी पाया गया, किसी ने दबाव डालने की कोशिश की, नौकरी से निकालने की कोशिश की, तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं। साइन करवाए भाई, साइन कर दो तुम्हारी, उनके नाम से कंप्लेंट आ रही है, कटवा दो। और उन प्रकार जो भाई ये नहीं पता क्या लिखा हुआ है, किसके कहने पे गए थे तुम थाने? एसएचओ ने बुलवाए थे। थारे पास फोन किसने करी थी? थारे ड्यूटी पे से फोन आया था या किसका आया था? एसएचओ का फोन आया था, फिर उसके बाद प्रधान ने बोला जो चले जाओ तुम, अपना करवा लो। अच्छा, क्या करवा लो भाई? जो इस पर साइन करा है करवा कर दो। तुमने ये नहीं पता था कि भाई उस पर क्या लिख रहा है? क्या ये नहीं पता हमारे को क्या लिखा है क्या नहीं लिखा? भाई तन पढ़ा, हमें क्या पता? उन्होंने पढ़ के भी नहीं बताया? ना पढ़ा पूरा को नहीं। तुम्हारे हाथ से लिखवाया? ना, अपना आप लिखा था, पुलिस वालों ने, पुलिस वालों ने खुद ही अपने हाथ से लिखा था, खुद अपने हाथ से लिखा था। और तुम क्या चाहते हो कि इस केस के अंदर क्या होना चाहिए? जो भी होना चाहिए अच्छा ही होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, मतलब की है ठीक, न्याय मिलो, कोई पैसे वैसे की लेन देन की कोई बात नहीं, किसी का कोई बात नहीं पैसे से ना कुछ, ठीक। हेलो, आज ये दिनांक तारीख है 9 तारीख 6 महीना 2021। आज मुझे चौकी में बुलाया गया और चौकी में मुझे 4-5 दिन से फोन आ रहे थे क्राइम ब्रांच वालों के, मैडम के। कौन सी चौकी में बुलवाया गया? बजगेड़ा थाने से। और मुझे अप्लीकेशन पे साइन किए गए हैं, अप्लीकेशन उन्हीं पुलिस वालों ने लिखी है, मुझे दोस्त से ज़बरदस्ती से साइन बोले हैं, और मेरे जो छोटा भाई है वो मेरे से अलग बिठाया, मेरी मदर अलग बिठाई है, मुझसे साइन लिए हैं, और ये कहा है कि बचत बेटा तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं होगा, मैं ये राजीनामा उनसे भी ले रहा हूँ और तुझसे भी ले रहा हूँ। फोन किसका आया था भाई साहब आपके पास ये राजीनामे के लिए? ये क्राइम ब्रांच के लिए किसी मैडम का आया था। मैडम का नाम? मैडम का नाम मेरे को प्लीज ध्यान नहीं है। अच्छा, यूनियन के प्रधानों से आपकी क्या बात हुई? यूनियन के प्रधान से बात हुई थी, राम सिंह देवी और जिला इकाई के राजेश प्रधान से। उन्होंने ये कहा है कि भाई चल के कॉम्प्रोमाइज करते हैं,
अच्छा, वे आपके साथ गए? हाँ, राम सिंह ने फोन पे कॉम्प्रोमाइज किया। राम सिंह ने कॉम्प्रोमाइज करवाया फोन पे? आप कॉम्प्रोमाइज के लिए इच्छुक हो? ना। आप क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहता हूँ मेरे साथ जो गलत हुआ वो मैं और किसी के साथ ना हो। आप मतलब उनको सजा दिलवाना चाहते हो? बिल्कुल। तो ये जो एप्लीकेशन जो लिखी गई है ये आपने खुद ने लिखी है अपने हाथों से? नहीं, ये पुलिस वालों के हाथ से लिखी है। आपकी हैंडराइटिंग नहीं है? हैंडराइटिंग कुछ नहीं। आपको पढ़ाया भी नहीं गया? नहीं पढ़ाया है, मतलब कुछ कुछ बोला है, कुछ कुछ नहीं बोला है। अच्छा, वो आने के बाद पता चला आपको इसमें और क्या लिखा हुआ है? हाँ। तो पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती लिखा है? हाँ, ये पुलिस वालों को लिखा हुआ था ये एप्लीकेशन, उन्होंने ही मुझ पे साइन की। ठीक है, साइन करवाए तुम्हारे से? हाँ। और ये राम सिंह प्रधान जो है ये नगर निगम का प्रधान है जिसने फोन करके कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला? हाँ जी। अब जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि एनसीजी के कर्मचारी का कहना है कि 2 महीने से वे दर बदर भटक रहे लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा। वही आपको बता दें, जब हमने इस मुद्दे को उठाया था तब हमारे सामने ये बात भी आई थी कि ऐसे कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज की गई विकास के नाम पर। उसके बावजूद अब किस चीज़ का राजीनामा करवाने की बात की जा रही है पुलिस द्वारा, वो भी एक देखने की बात है। ये मामला दिन प्रतिदिन उलझता जा रहा है और न्याय के नाम पे कर्मचारी को कुछ भी नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो लोगों से धोखे। हमारी पुलिस प्रशासन पहले किसी को बेवजह उठा लेती है। मैं आपको बता दें, जिन महिला का नाम इस केस में सामने आ रहा है वो आज तक एक बार भी थाने में मौजूद नहीं रही। वही राजीनामा के समय में दोनों पार्टियों का होना अनिवार्य है। अब ऐसे में जिस कर्मचारी को लिखना पढ़ना नहीं आता उससे पुलिस द्वारा जबरन साइन करवाए जाते हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? कहाँ जा रही है हमारी पुलिस प्रशासन? न्याय के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी हो रही है। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। ऐसी ही तमाम न्यूज़ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इस खबर पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।